सो गाइस ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर 338 के स्पॉइलर्स के अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर में आस्था और रियुडो के बीच एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन हुआ दिखाया जाएगा, जहां आस्था के सर पे रजिस्टर हो चुका होता है कि वो कहां है, जिसमें वो पूछता है कि वो कैसे वापस जा पाएगा, जिसका रिप्लाई देते हुए रियुडो बोलता है कि चिंता मत करो, वो लूसियस अभी कुछ वक्त के लिए कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद आस्था रियुडो को पूछता है कि ये सोगन क्या है, जिसका जवाब देते हुए वो बोलता है कि ये बिल्कुल विजिट किंग की तरह है फ्रॉम योर कंट्री आस्था। और इसके बाद आस्था बोलता है कि रियुडो तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते, मैं भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा मैजिक को फील नहीं कर पा रहा। इसे सुन रियुडो तो आस्था के बातों से सहमत होता है, पर वो मिस्टीरियस लड़की गुस्सा हो जाती है और आस्था को स्ट्रेंज या फिर आउटसाइडर बोलने लगती है, जिसके तुरंत बाद आस्था इस टेकन ऑन ए साइटसीइंग टूर। और यही आस्था को पता चलता है कि द लैंड ऑफ द सन में ग्रिम वार्स का यूज नहीं होता, बट इंस्टेड दे यूज स्क्रॉल्स टू परफॉर्म सॉर्सरी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि रियुडो कोई भी सॉर्सरी पावर को यूज नहीं कर सकता, सो वो प्रीटी मच आस्था की तरह होता है। और इसके बाद आस्था को मिलता है टेटोस, जिसे देखो बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता है और बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है, द लोकल स्पेशलिटी ऑफ हेस विलेज। और इसी चैप्टर के पेज 6-12 के बीच हम कुछ रैंडम बैंडेज को अटैक करता देखते हैं, जिसके पहले ही रियुडो दो सिविलियंस को उस अटैक वाली जगह से निकाल लाता है, जिसे देख आस्था सोचता है कि क्या उसने उन सिविलियंस को कोइंसिडेंस से बचाया या फिर ये उसका ऑल सीइंग आइज का कमाल था। और इसके तुरंत बाद ही रियुडो उस मिस्टीरियस पर्सन को इचिका बोल के पुकारता है, जिसके बाद इचिका यूजिंग ए मिस्टीरियस एबिलिटी उन बैंडेज को इमीडिएटली डिफीट कर देती है, जिसे देख वहाँ प्रेजेंट सारे लोग उसे यामी दोनों यू आर द बेस्ट बोल के चीयर करते हैं, यामी जो हमारा कैप्टन यामी का लास्ट नेम होता है। और इसी चैप्टर के लास्ट पेज से हमें पता चलता है कि इचिका इस यामी से यंगर सिस्टर, और अगर आस्था को स्ट्रॉन्ग होना है तो उसे ट्रेन करना होगा अंडर 7 रियुजन मेंबर और ड्रैगन ज़ेन मेंबर्स।